में जो हमारा टारगेट है दस अरब दरख्त लगाने का इन पाँच सालों में तो ये हम शुरू कर रहे हैं इस बरा बरसात की जो प्लांटेशन है तो मैं आप सबको भी और जो भी इसको टीवी पे देख रहे हैं आप सबको मैं आज ताकद करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क बदकस्मती से वो मुल्क है जिधर दुनिया में जो जो दरख्तों की एवरेज होती है उससे हम बहुत कम हैं सारे मुल्क यानी हिंदुस्तान भी हमारे से ज़्यादा वहाँ ट्री कवर है यानी वहाँ ज़्यादा दरख्त हैं तो हमारे मुल्क में किसी ने तोजो नहीं दी और इसके आगे बहुत बुरे असरत हैं हमारे मुल्क के लिए और वो कैसे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो मौसम गर्म होता जा रहा है इसको अगर हमने फाइट करना है तो इसको जो इसका मुकाबला करना है वो इसी तरह कि हम पाकिस्तान को हरा कर दें क्योंकि जितने आप दरख्त लगाते हैं ये बारिश भी अट्रैक्ट करते हैं और ये मौसम को गर्म होने से भी रोकते हैं आ, और ये पोल्यूशन को भी रोकते हैं शहरों के अंदर जो बढ़ती जा रही है पलूशन ख़ास तौर पर लाहौर में पेशावर में कराची में तो वो उसका उस पलूशन को अब्ज़ॉब करते हैं दरख्त तो इसलिए ये हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी ये बरसात की जो हमारी प्लांटेशन कैंपेन है मैं आप चाहता हूँ आप सब इसमें शिरकत करें मैं चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तान में लोग ये अगले तीन हफ्ते अगर एक एक पाकिस्तानी भी एक अगर दरख्त तो उगा दे तो सोचें कि ये कितना बड़ा इनकलाब आएगा शहरों के अंदर भी कोशिश करें अगर घर में भी जगह है तो उधर भी लगाएं पार्क्स के अंदर भी शहरों के अंदर कोई जगह खाली ना रहे हमने मैंने सारे अपने शहरों के अंदर अपने डी को अपने कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि कोई भी शहर के अंदर मैं जगह नहीं देखना चाहता जिधर इस तरह खाली पड़ी हो हर खाली जगह के ऊपर हम दरख्त कहें और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन हैं उनके लिए हम एक बेहतर मुल्क छोड़ के जाएँ जो हमें ये मुल्क जो मुझे मिला था जब मैं बड़ा हो रहा था वो वबर उससे बहुत बेहतर था क्योंकि हालांकि अंग्रेज़ एक बाहर से आया हुआ था उसने भी यहाँ ज़्यादा जंगल उगाए बनस्बत के आज़ादी के बाद जितने हमने हमने बल्कि वो जंगल ख़त्म किए हैं तो इसलिए अब वापस आ गए कि हम ये रिवर्स करें सब कुछ और ये जो हमारा टारगेट है दस अरब दरख्तों का ये सारी दुनियाज करती है जो हमने एक अरब दरख्त पखतूनख्वा में पाँच सालों में लगाए थे 2013 से 2018 में वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ है आज पाकिस्तान को वो मुल्क समझते हैं कि जो दुनिया में लीड कर रहा है एनवायरनमेंट की जो कैंपेन है जो ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ कैंपेन है दुनिया में पाकिस्तान को बॉन चैलेंज में एक्नॉलेज किया जाता है कि हम वो मुल्क हैं जो सबसे तेज़ी से ये रिवर्स कर रहे हैं इम्पैक्ट काबन का ये जो ग्लोबल वार्मिंग है शुक्रिया टेन बिलियन शजरकारी मुहिम के सिलसिले की, की तकरीब से वजी अजम इमरान खान इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि पाकिस्तान को शादा बनाकर ही मालियाती आलूगी से बचा जा सकता है उनका मज़दीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान में जंगलों का रकबा बहुत कम है माजी में इस पर तोजो नहीं दी गई और इस सूरत हाल से बचने के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा मजीद उनका कहना था कि हमारे टेन बिलियन ट्री प्रोग्राम की जो पजीराई है वो आलमी सतह पर हुई है